हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव एवं बिलासपुर जिला प्रभारी अभिषेक राणा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश भाजपा सरकारें युवाओं को ठग रही हैं तथा उन्हें ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को दिया एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। युवा कांग्रेस आने वाले दिनों में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नाकामियों के प्रति लोगों को जागरूक करेगी और विरोध प्रदर्शन भी करेगी। इंदिरा भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अभिषेक राणा ने केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 4.5 साल पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने एवं हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख देने का वायदा किया था, लेकिन ना तो लोगों की जेब में 15 लाख आए और ना ही युवाओं को नौकरी मिली, बल्कि उसकी जगह पर नोटबंदी लोगों पर थोप दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को छला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए राम मंदिर, जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। वहीं प्रदेश भाजपा सरकार के वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने, जिला स्तर पर रोजगार मेले आयोजित करने, पंचायत स्तर पर जिम खोलने तथा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खेल छात्रावास बनाने सहित अन्य वायदे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत में एक वर्ष पूरा होने पर भी प्रदेश भाजपा एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई है, जिससे युवाओं में इस सरकार के प्रति भी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनावों में किए वायदे के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत को आदर्श बनाने का वायदा किया था, ये वायदा भी कोरा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस आने वाले दिनों में केंद्र एवं प्रदेश भाजपा सरकार की नाकामियों के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम छेड़ेगी, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी करेगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा, आज हर एक युवा उसके बारे में जानता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें ठगा, लेकिन एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले वादे किए, बड़े बड़े वादे युवाओं से कि हर ज़िले में हम रोज़गार मेला उसका आयोजन करेंगे, यूथ हॉस्टल्स बनाएंगे, मिनी स्टेडियम्स बनाएंगे, छः के ऊपर जो हम लगाम लगाएंगे, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, ज़िला स्तर पे जो है वो डी एडिक्शन सेंटर्स बनाएंगे, अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे। युवाओं को जो है ठगने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज एक वर्ष बाद जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम एक वर्ष बड़ी हमने उपलब्धियां की हैं, उसके लिए हम जो है बड़े धूमधाम से एक साल मनाएंगे। पर मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूँ कि एक साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया, लेकिन एक ऐसा काम, कोई भी एक ऐसा काम जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यूथ से वादा किया था, चाहे वो स्कूल स्तर पे हो, फ्री वाईफाई की बात हो, रोज़गार की बात हो, कोई भी वादा जो उन्होंने शुरू किया हो या पूरा कर दिया हो, तो वो उपलब्धियां मनाएं। इसलिए आज युवा कांग्रेस यहां पर एकत्रित हुई है उनका विरोध करने के लिए, और हम एक रूपरेखा भी तैयार करेंगे और जगह जगह जाके भारतीय जनता पार्टी की इस नाकामियों को युवाओं के बीच में